हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स एमबीए एमसीए, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, एमबीए और एमसीए स्टूडेंट्स के लिए। ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। आज के वीडियो का अपना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो देखिए, डोमिनेंस प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे हम? समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द प्योर स्ट्रेटेजीज ऑफ आइदर प्लेयर इज ऑलवेज इन्फेरियर टू एटलीस्ट वन ऑफ द रिमेनिंग वंस। द सुपेरियर स्ट्रेटेजीज आर सेड टू बी डोमिनेट द इन्फेरियर वंस। इन सच केसेज ऑफ डोमिनंस वी रिड्यूस द साइज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग दोज स्ट्रेटेजीज विच आर डोमिनेटेड बाय अदर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन करने वाले हैं और रो रिडक्शन करने वाले हैं। जो रो और पर्टिकुलर कॉलम को मतलब डोमिनेंस किया जाएगा, उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं फ्रॉम पी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो विथ एग्जांपल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे जाके मैं आपको एग्जांपल बताने ही वाली हूँ, अभी फिलहाल के लिए आप थेरोटिकल पार्ट जो समझ के लीजिए। ठीक है, तो चलिए, दैट इज इन सम गेम्स इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द साइज ऑफ द पी ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमिनेटिंग रोज और कॉलम्स विच आर डोमिनेटेड बाय अदर रो और कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमिनेंस प्रॉपर्टी होती है रोज के लिए और कॉलम्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अभी रो को हम डोमिनेट कब कर सकते हैं और कॉलम को डोमिनेट कब कर सकते हैं, तो उसका कुछ रूल दिया है। तो देखिए, पहला वाला देखेंगे हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रोज। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ रो शुड बी लेसर देन, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको फोकस करना है। क्या बोल रही हूँ, लेसर देन। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ रो शुड बी लेसर देन और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ अनादर रोज, इफ एस देन दैट रो कैन बी डिलीटेड। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, रो एक्स है और रो वाई। अगर रो एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है, अगर सपोज ये दूसरा रो है वाई, ठीक है, कंपेयर टू दिस रो वाई, अगर इसके एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो एक्स जो है उसको क्या करेंगे, डोमिनेट कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे, लेसर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इस रो में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कम होने चाहिए कंपेयर टू दिस रो, तभी जाके हम क्या करेंगे, एक्स रो के जितने भी वैल्यूज है उसको हम डिलीट कर देंगे। अभी देखिए, डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर कॉलम्स। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ कॉलम शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ अनादर कॉलम, इफ एस दैट कॉलम कैन बी डिलीटेड। यहाँ पे क्या देखिए, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कॉलम है और वाई क्या है, ये भी कॉलम है। ठीक है, तो इस कॉलम के जितने भी वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, कंपेयर टू दिस करस्पॉन्डिंग कॉलम के वैल्यूज यहाँ पे क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होने चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलम को हम यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेसर होना चाहिए और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए। देखिए, सेम पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है फॉर रो और कॉलम के लिए। तो देखिए, रो में हम क्या बोल सकते हैं, When all the elements of particular row in pair of matrix are lesser than or equal to the corresponding elements of another row, for example, row x of pair of matrix are less than, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, रो के लिए, तो रो में क्या होनी चाहिए values, less than or equal to होने चाहिए, less than or equal to the corresponding elements of another row, then row x is dominated by row y. So delete row x from the pair of matrix because x is lesser than the other row. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, least value row should be deleted from the pair of matrix. ये हो गया row के लिए। अभी हम क्या देखेंगे, column के लिए। column में क्या होता है, greater value वाला जो column होता है उसको dominate किया जाता है। वही point यहाँ पे explain किया है। When all the elements in a particular column, for example column x of pair of matrix are greater than or equal to the corresponding elements in another column, then column x is dominated by column y, so therefore delete column x from pair of matrix.
शॉर्ट में ये जो दोनों पॉइंट्स हैं रो और कॉलम के यहाँ पे मैंने बताए हैं। देखिए आपको अच्छे से समझने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, वीडियो पॉज कर लेना और ये दोनों जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं वो अच्छे से रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे बताया भी है, व्हेन वी टेक रो डिलीट द लीस्ट वैल्यू रो, और व्हेन वी टेक कॉलम डिलीट द हाईएस्ट वैल्यू कॉलम। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखते हैं, जो दो टाइप के स्ट्रेटेजीज होते हैं, प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। तो पहले हम क्या देखेंगे, प्योर स्ट्रेटेजी का एग्जांपल देखते हैं बाय यूजिंग द डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो आपका गेम थ्योरी का चैप्टर है, उस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आता है आपका, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का ही आता है और इसी पे आपको एग्जांपल पूछा जाता है। तो आपको मैं जो अभी एग्जांपल बता रही हूँ आपको ये अच्छे से समझ के लेना है। तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द पे ऑफ मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए, सॉल्व इट ऑप्टिमली यूजिंग द डोमिनेंस प्रॉपर्टी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अपने एग्जांपल में, ये क्या है प्लेयर बी और ये क्या है प्लेयर ए। प्लेयर ए की देखिए कितने स्ट्रेटेजीज है, 1, 2, 3, 4। प्लेयर ए के 4 स्ट्रेटेजीज है और प्लेयर बी के कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। प्लेयर बी के 5 स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, हियर प्ले, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है, हियर प्लेयर ए हैज 4 स्ट्रेटेजी एंड प्लेयर बी हैज 5 स्ट्रेटेजी। अभी देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपना, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रो मिनिमम, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कॉलम मैक्सिमम। तो चलिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे देखिए 4 है। सेकंड रो में क्या है, 5। थर्ड रो में आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8। और फोर्थ रो में 4। अभी देखिए कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8। यहाँ पे करना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मिनी मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते किया है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करते, अभी इस मैक्सिमम वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है प्लेयर ए के लिए, तो कौन से स्ट्रेटेजी में मिली है हमें, यहाँ पे देखिए थर्ड स्ट्रेटेजी में मिली है, बराबर ये जो वैल्यू मिली है बी, यहाँ पे मिनिमैक्स वैल्यू हमें प्लेयर बी के लिए कहाँ पे मिली है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मिली है, यहाँ पे देखिए 8, बराबर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्लेयर ए का थर्ड स्ट्रेटेजी और प्लेयर बी का फर्स्ट स्ट्रेटेजी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिल रहा है हमें, ये वाला मिल रहा है, कौन सा, ये मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली थी, 8, और मिनीमैक्स वैल्यू क्या मिली थी, 8। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिली है, प्लेयर ए के लिए थर्ड स्ट्रेटेजी में, बराबर, और यहाँ पे देखिए मिनीमैक्स वैल्यू कहाँ पे मिली है, प्लेयर बी के लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी में, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देखते तो कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला, और जिसकी वैल्यू क्या है, 8। तो यहाँ पे हम देखिए क्या बोल सकते हैं, हियर मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनीमैक्स, यानी कि 8 इज इक्वल टू 8, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, सैडल पॉइंट, यानी कि वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, 8। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज कैसे लिखते हैं, प्लेयर ए के लिए देखिए 0, 0, 1, 0, यहाँ पे थर्ड, देखिए थर्ड स्ट्रेटेजी है ना, ये कहाँ पे मिल रहा हमें, थर्ड स्ट्रेटेजी में प्लेयर ए के लिए, तो थर्ड स्ट्रेटेजी को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, किसकी, थर्ड के लिए, और 1, 2 और 4 स्ट्रैटेजी को हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि ये किसका एग्जांपल है, प्योर स्ट्रैटेजी का एग्जांपल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लेयर बी के लिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी इसकी क्या आएगी, फर्स्ट स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, और जो रिमेनिंग स्ट्रैटेजी है 2, 3, 4, 5 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे हम,
जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, प्लेयर ए के लिए देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी 0010 और प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटी कैसी 1 और रिमेनिंग यहाँ पे देखिए रिमेनिंग स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0000। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल देखा ये डोमिनेंस प्रॉपर्टी का। अभी हमें क्या करना है इसके आगे भी और सॉल्व करना है। तो चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। नाउ सॉल्विंग बाय द डोमिनेंस प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है अपना प्लेयर बी है और यहाँ पे क्या है प्लेयर ए। प्लेयर ए की कितनी स्ट्रैटेजी है 1 2 3 4 और प्लेयर बी के कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे इसका एडिशन करना है। फर्स्ट रो का एडिशन देखिए 4 + 6 + 5 + 10 + 6 कितना आ गया। तो देखिए अभी क्या करना है हमें इस मैट्रिक्स को पे आउट मैट्रिक्स को क्या करना है डोमिनेंस प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हर एक रो का हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया एडिशन किया है यानी कि 4 + 6 + 5 + 10 + 6 कितना आ गया 31। सेकंड रो का अगर एडिशन करते हैं तो कितना आ गया 39। थर्ड रो का 47 और फोर्थ रो का 30। देखिए आप जब इसका अभी रिडक्शन करने वाले हम तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिख के रखा हुआ है, व्हेन वी डू द रो रिडक्शन फर्स्ट वी सिलेक्ट द मिनिमम एवरेज। अभी यहाँ पे देखिए मिनिमम कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम कौन सा है 30। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे 30 को लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, जब हमें रो रिडक्शन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो कि है 30। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर रो को हमने सिलेक्ट किया है फोर्थ स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेयर ए। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि ए जो रो के वैल्यूज है वो बाकी रो के से क्या होने चाहिए लेसर होने चाहिए। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। देखिए कंपेयर कीजिए ये क्या है 6 इज लेस देन 4 नो यानी कि हम फर्स्ट रो से यहाँ पे डोमिनेट नहीं होगा। अभी कंपेयर करेंगे हम यहाँ पे फोर्थ रो जो है फोर्थ रो के वैल्यूज कंपेयर करेंगे हम सेकंड रो से। अभी देखिए 6 इज लेस देन 7 यस, 4 इज लेस देन 8 यस, 10 इज लेस देन 5 नो। मतलब यहाँ पे हम सेकंड रो से कंपेयर नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं होगा सेकंड रो से। अभी देखिए थर्ड रो से कंपेयर करेंगे हम 6 इज लेस देन 8 यस, 4 इज लेस देन 9 यस, 10 इज लेस देन 11 यस, 6 इज लेस देन 10 यस, 4 इज लेस देन 9 यस। यानी कि प्लेयर ए की जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है इट इज डोमिनेटेड बाय थर्ड स्ट्रैटेजी, इसलिए अभी हम क्या करेंगे फोर्थ स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए 30 का हो गया, अभी उसके बाद में मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी है 31। तो हम इसको अभी सिलेक्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर रो को जो है वो दूसरे रो से हम कंपेयर करेंगे। अभी देखिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी यानी कि फर्स्ट रो को हम कंपेयर करने वाले 4 इज लेस देन 7 यस, 6 इज लेस देन 8 यस, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 यस, 10 इज लेस देन 9 नो। यानी कि फर्स्ट रो इज नॉट डोमिनेटेड बाय सेकंड रो। अभी हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ कंपेयर करेंगे 4 इज लेस देन 8 यस, 6 इज लेस देन 9 यस, 5 इज लेस देन 11 यस, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 यस, 6 इज लेस देन 9 यस। यानी कि फर्स्ट रो इज डोमिनेटेड बाय थर्ड रो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी इसको फर्स्ट रो को हम डिलीट कर देंगे। अभी अपने पास कितने रोज बचे 2 रोज बचे हैं। ठीक है, अभी 30 हो गया 31 हो गया, यहाँ पे देखिए अभी 2 वैल्यूज बचे तो अभी हम क्या सिलेक्ट करेंगे 39। अभी देखिए सेकंड रो को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ 7 इज लेस देन 8 यस, 8 इज लेस देन 9 यस, 5 इज लेस देन 11 यस, 9 इज लेस देन 10 यस, बट हियर 10 इज नॉट लेस देन 9, इसलिए यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे डोमिनेट नहीं होता है। ठीक है, और अगर उल्टा भी कर लेते तो यहाँ पे भी मतलब अभी डोमिनेट कोई भी रो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया ये रो रिडक्शन कर लिया। देखिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी और फोर्थ स्ट्रैटेजी और प्लेयर ए यहाँ पे क्या हो गया डिलीट हो गया, ये यहाँ पे हमने क्या किया रो रिडक्शन। अभी देखिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे
Now, do column reduction. अभी देखिए यहाँ पे हमने हमारे पास क्या क्या बचे थे, देखिए यहाँ पे हम लिखते लेते हैं, ये क्या था प्लेयर बी। अभी यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्ट्रैटेजी, 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे प्लेयर ए के लिए कौन से स्ट्रैटेजीज बचे हैं, प्लेयर ए के लिए देखिए आप सेकंड और थर्ड स्ट्रैटेजी बची है। यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 9, 10, और थर्ड स्ट्रैटेजी में वैल्यूज आ रहे हैं 8, 9, 11, 10, 9। ठीक है, ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम रिडक्शन करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, रो रिडक्शन किया था, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, उसका एडिशन निकाला था, बराबर। अभी देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कॉलम रिडक्शन करना है ना, तो अभी जितने भी स्ट्रैटेजीज बचे किसके, प्लेयर ए के, तो वो हमने यहाँ पे लिख के लिए कौन से स्ट्रैटेजी बचे थे, सेकंड और थर्ड स्ट्रैटेजी। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हर एक कॉलम का यहाँ पे हम एडिशन करके लेते हैं। तो देखिए ये क्या, यहाँ पे देखिए 7 + 8 कितना हो गया 15, 8 + 9 17, ये कितना आ गया 16, 9 + 10 कितना आ गया 19, 10 + 9 19। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे देखिए लोवेस्ट वैल्यू सबसे पहले सिलेक्ट की थी, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, कॉलम रिडक्शन करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें इसमें से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 19। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो अपना फोर्थ स्ट्रैटेजी है प्लेयर बी की, उसको हम कंपेयर करेंगे बाकी के रोज के, सॉरी कॉलम्स के साथ। 9 ये क्या होना चाहिए, अभी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अभी देखिए फर्स्ट जो कॉलम है उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, 9 is greater than 7, एस, 10 is greater than 8, एस। यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें मैं बता रही हूँ, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है, तो हमने क्या सिलेक्ट कर लिया 19। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो फोर्थ कॉलम है उसको हमें कंपेयर करना है रिमेनिंग कॉलम से, और ये जो कॉलम की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू अदर कॉलम्स, तभी हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलम को डोमिनेट करेंगे। अभी आप यहाँ पे हमने देखिए फर्स्ट कॉलम के साथ कंपेयर किया हमने, 7, 9 मैक्सिमम है, 8 और 10 को कंपेयर किया, तो इस कॉलम की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे बोल सकते हैं, कॉलम 4 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1, तो हम अभी क्या करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 19, यानी कि अभी हम फिफ्थ कॉलम को कंपेयर करेंगे रिमेनिंग कॉलम से। अभी आप देखिए फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं, 7 और 10 को कंपेयर करते हैं, तो इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, 7 और 10, 10 is greater than 7, यस, 9 is greater than 8, एस, यानी कि फिफ्थ कॉलम इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1, तो हम क्या करेंगे इसको अभी डिलीट कर देंगे। अभी देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 17, तो हम क्या करेंगे अभी 17 को सिलेक्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर ये जो सेकंड कॉलम है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी देखिए 8 इज यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ पहले कंपेयर करेंगे, 8 is greater than 7, यस, 9 is greater than 8, एस, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड कॉलम इज डोमिनेटेड बाय फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या करेंगे इसको डिलीट कर देंगे। अभी देखिए नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 16, तो देखिए 5 is greater than 7, नो, 11 is greater than, मतलब यहाँ पे एक कट हो जाता है क्योंकि 5 is not greater than 7, अगर हम उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है, 15, यहाँ पे अगर हम करते हैं देखिए कंपेयर, 7 is greater than 5, यस, बट हियर 8 is not greater than 11, तो हम यहाँ पे अभी रिडक्शन नहीं कर सकते, कॉलम रिडक्शन। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए प्लेयर बी के लिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी बची है और थर्ड स्ट्रैटेजी, और प्लेयर ए के लिए सेकंड एंड
थर्ड स्ट्रेटेजी बची, तो जो रिमेनिंग पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको अभी हम क्या करेंगे, लिख के लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो अपना पे ऑफ मैट्रिक्स है, पे ऑफ रिमेनिंग पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम, देखिए प्लेयर ए में कौन कौन से स्ट्रेटेजी बचे हैं, सेकंड और थर्ड, और प्लेयर बी में फर्स्ट और थर्ड, यानी कि देखिए पे ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे, 7, 5, 8 और 11। तो वही मैट्रिक्स हमने देखिए यहाँ पे लिख के लिया, 1, 3 प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटेजी, और प्लेयर देखिए प्लेयर बी के लिए कौन से स्ट्रेटेजी बचे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, और प्लेयर ए के लिए कौन से स्ट्रेटेजी बचे हैं, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आ गया अपना अभी नया पे ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए 7, 5, 8, 11, 7, 5, 8, 11। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे रोज का, 7 प्लस 5 कितना आ गया, 12, और यहाँ पे देखिए 8 प्लस 11 कितना आ गया, 19। अभी जब हम रो रिडक्शन करते हैं तब हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे देखें मिनिमम क्या है, 12। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेकंड स्ट्रेटेजी है प्लेयर ए की उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हम रो रिडक्शन करते हैं तो वो पर्टिकुलर रो क्या होना चाहिए, कंपेयर टू सेकंड दूसरे रो से उसकी वैल्यूज कम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए ये जो अपना फर्स्ट, ये देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है उसकी वैल्यूज कंपेयर करते हैं सेकंड रो के साथ, यहाँ पे देखिए 7 इज लेस देन 8, यस, 5 इज लेस देन 11, यस, यानी कि ये जो सेकंड स्ट्रेटेजी है इट इज डोमिनेटेड बाय थर्ड स्ट्रेटेजी, तो हम क्या करेंगे इसको अभी यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या किया हमने, रो रिडक्शन किया, वही लिखा है मैंने, नाउ गो फॉर द रो रिडक्शन। कैसे किया, 7 और 5 का एडिशन किया, 8 और 11 का एडिशन किया, तो मिनिमम कौन सा सिलेक्ट किया, 12 को सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमने इस पर्टिकुलर जो सेकंड स्ट्रेटेजी उसको कंपेयर किया थर्ड स्ट्रेटेजी के साथ, तो 7 इज लेस देन 8 और 5 इज लेस देन 11, इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने, प्लेयर ए के जो सेकंड स्ट्रेटेजी है इट इज डोमिनेटेड बाय थर्ड स्ट्रेटेजी, इसलिए सेकंड स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए अपने पास दो ही वैल्यूज बचे हैं, 8 और 11, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम कॉलम में ये करते हैं तो देखिए क्या है, 8 और 11 यहाँ पे दो ही वैल्यूज है, यहाँ पे देखिए 11 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, थर्ड स्ट्रेटेजी इज डोमिनेटेड बाय फर्स्ट स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे अभी क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ एक ही वैल्यू बची है, क्या वैल्यू बची है यहाँ पे देखिए, 8 बचा है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे रो भी डिलीट हो गया और ये पर्टिकुलर कॉलम भी डिलीट हो गया है, तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची है, कहाँ पे बची है, देखिए प्लेयर ए के लिए थर्ड स्ट्रेटेजी और प्लेयर बी के लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी, तो जब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए प्लेयर ए के लिए कितने स्ट्रेटेजीज थे, टोटल 4 स्ट्रेटेजीज, तो 4 स्ट्रेटेजीज में हम जो थर्ड स्ट्रेटेजी है उसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए प्लेयर बी के लिए टोटल कितने स्ट्रेटेजीज थे, 5। ठीक है, और 5 स्ट्रेटेजीज में यहाँ पे देखिए वैल्यू कौन सी स्ट्रेटेजी में मिली हमें, प्लेयर बी के लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी में, तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 लिखेंगे, और रिमेनिंग जो 4 थी उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे, 0। तो सेम देखिए वही पे मैंने लिखा है, प्लेयर ए के लिए कहाँ पे मिली थी प्रोबेबिलिटी, देखिए यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे मिली थी, थर्ड स्ट्रेटेजी, तो थर्ड स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी लिखी 1 और बाकी के 0, और प्लेयर बी के लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मिली है, इसलिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी 1 और बाकी के क्या किए, 0 किए। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप वीडियो पॉज कर लेना और यहाँ पे स्टेप जो है मैंने फिर से एक बार आप अच्छे से देख लेना, देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है।